लद्दाख चीन बॉर्डर पर हुई झड़प के दौरान शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की शहादत से आहत जमीयत उलेमा हिंद ने चीन के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए मुस्लिम युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती करते हुए देश सेवा करने की बात भी भारत सरकार से मांग की। गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद शहीद हुए 20 सैनिकों की शहादत के बाद अब उत्तर प्रदेश के संभल से जमीयत उलेमा हिंद ने आवाज बुलंद करते हुए भारत सरकार से मांग उठाई कि चीन को सबक सिखाने के लिए मुस्लिम रेजिमेंट बनाने का ऑर्डर पास करें, जिससे कि देश का मुस्लिम युवा भारतीय फौज में भर्ती होकर देश सेवा कर सके। दरअसल आज संभल के सराय तरीन के पीला खदाना में जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना मेहर इलाही के आवास पर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दर्जनों लोगों ने अपने विचार रखते हुए चीन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस मीटिंग में पड़ोसी देश नेपाल द्वारा सीमाओं के आकलन के मुद्दों पर भी मौलानाओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो नेपाल से हर तरह का रिश्ता खत्म करते हुए उसे दी जा रही सुविधाएं भी वापस लें। वहीं वीर शहीद अब्दुल हमीद के नाम पर एक मुस्लिम रेजिमेंट बनाने पर भी जोर दिया गया। इस सिलसिले में मीटिंग की गई है। इस सिलसिले में मीटिंग में हमने ये तय किया है कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चाइना की तमाम चीज़ों पर जो आयात है उन पर पाबंदी लगाए और हिंदुस्तान में जो चीज़ें भी जो ठेके हैं उन पर रद्द किया जाए। हिंदुस्तान के अंदर चाइना की तरफ से दरअंदाजी की जा रही है और चाइना की तरफ से हमारे हिंदुस्तान के सैनियों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है और चाइना की तमाम फौजें हमारे हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हो रही हैं। इस सिलसिले में हम जमीयत उलेमा ज़िला संभल की जानिब से अपनी हुकूमत से भी अपील करते हैं और अपनी तरफ से ये बात कहते हैं कि हम तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के रहने वाले अपने इस वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत के नतीजे में हम अपनी तमाम मुसलमानों की और तमाम हिंदुस्तान में बसने वालों की तरफ से ये बात कहते हैं कि हम इस वतन की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा हर नौजवान इस वतन की मोहब्बत में, इस वतन की हिफाजत में और वतन की सरहदों की हिफाजत में हर वक्त जान कुर्बान करने के लिए तैयार है और हम इस तरह से दूसरे मुल्क की दरअंदाजी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह से मीर अब्दुल हमीद का ये निज़ाम है, उस तरह से एक निज़ाम बनाया जाए और उस निज़ाम के तहत मुसलमानों को उसमें भर्ती किया जाए ताकि मुसलमान अपनी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी और माल की कुर्बानी पेश करके और ये साबित करें कि यकीनन हम हिंदुस्तान के हकीकी बाशिंदे हैं, जैसे पहले से हिंदुस्तान की सरहदों और हिंदुस्तान की ज़मीन और हिंदुस्तान वतन की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने अपनी जान और माल को कुर्बान किया है, आज भी इसी तरह से करने के लिए हर वक्त तैयार हैं।